फूफा जी ने आपके जन स्पंदना कार्यक्रम को फेक बताया। देखो फूफा को ना दिल्ली में काम है ना बिदर में काम है, कुछ भी नहीं है। तो किसी को कुछ भी काम नहीं है, बेकार आदमी है, बेरोजगार है। बीजेपी कांग्रेस की चार्जशीट जारी कर रही है उसके बारे में। बीजेपी को काम कुछ नहीं है, अधिकार चले गया है। सर टीएमसी चुनाव कर 2.5 साल हो गया बिदर का, लेकिन अभी तक चेयरमैन नहीं बन रहा है सर। आप भी सर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है उसके बारे में। तो मैं समझता हूँ 15 दिन में 20 दिन में बिदर के नगर सभा का, नगर पालिका का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। आज रक्षाबंधन भी और गृहलक्ष्मी योजना का उद्घाटन भी हुआ है, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं सर कि योजना जो है लोकसभा चुनाव तक ही चलेंगी, उसके बाद सरकार नहीं देगी। देखो यार, मैं मेरे भाषण में भी बोला हूँ, ये हम चुनाव पूर्व जो है ना हमने वाग्दान किया था, जो भी हमने वचन दिया था वो पूरा निभा रहे हैं। हम बोले जैसा चल रहे हैं। ये जो गृहलक्ष्मी योजना है, 1,10,00,000 लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं और ये पूरे लोगों को 2,000 रुपये महीने मिलने वाला है, और हमारी सरकार रहने तक, कांग्रेस की सरकार रहने तक पूरे 5 साल योजना चलेगा, और पूरे 4 गारंटियाँ तो अब हमने इम्प्लीमेंट किया है। बाकी का 5वां गारंटी जो युवा निधि है वो भी दिसंबर और जनवरी में इम्प्लीमेंट करेंगे। सर बीजेपी कांग्रेस की चार्जशीट जारी कर रही है उसके बारे में कुछ बात। बीजेपी को काम कुछ नहीं है, अधिकार चले गया है, हताश मनोभाव से ऐसे कल कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, फिर लोकसभा में उनको सबक सिखाएंगे। फूफा जी ने आपके जन स्पंदना कार्यक्रम को फेक बताया। देखो फूफा को ना दिल्ली में काम है ना बिदर में काम है, कुछ भी नहीं है। तो किसी को कुछ भी काम नहीं है, बेकार आदमी है, बेरोजगार है। तो अधिकार रहे तो भी कुछ नहीं कर सके 4 साल तक, ऐसे बोलते रहने दो कोई बात नहीं। सर टीएमसी चुनाव कर 2.5 साल हो गया बिदर का, लेकिन अभी तक चेयरमैन नहीं बन रहा है सर। आप भी सर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है उसके बारे में। देखो भाई, कुछ केस कोर्ट में पेंडिंग है। अभी पूरे राज्य भर में जितने स्थलीय संस्थाएं हैं उनका मिसलाती जो है रिजर्वेशन है फाइनल नहीं हुआ है, वो अभी कुछ ही दिनों में फाइनल होगा। बिदर का अभी कुछ फाइनल हो रहा है, तो मैं समझता हूँ 15 दिन में 20 दिन में बिदर के नगर सभा का, नगर पालिका का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। ठीक है।